पॉइंट नंबर 14 है हमारा, दो रेखाओं के बीच कोण। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, टेन थीटा जिसको हम लोग प्रोणता या एम कहते थे, ये बराबर होता था हमारा एम वन माइनस एम टू और अपॉन में वन प्लस एम वन एम टू, और ये होता था हमारा मॉड में, यानी प्लस और माइनस। यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमें दो रेखाएं दे दी जाएंगी। मान लेते हैं रेखा का हमने व्यापक समीकरण देख ही लिया है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, इस फॉर्म में अगर हमें एक रेखा दी गई है। दूसरी रेखा हम मान लेते हैं हमारे पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू बराबर 0 है, ठीक है। तो पहली रेखा की अगर हम प्रवणता निकालें, तो प्रवणता के लिए हम बात हमने कहा था, हमने समीकरण सीखी थी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर हम समीकरण को, दी गई समीकरण को इस रूप में अगर लिख लेंगे, तो वहां पर जो हमारा m होगा वही हमारी प्रवणता होगी। तो अगर हम इसको बात करें तो ax को अगर हम उधर भेज दें, a1x को, तो मेरे पास बचेगा b1y और c को भी उधर भेज दीजिए, तो b1y बराबर बचेगा हमारा c1 माइनस का हो जाएगा, ये भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का a1x और माइनस का c1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम y की बात करें तो माइनस का a1 अपॉन b1x और माइनस का c1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको और इसको आपस में तुलना करें तो हमारा जो m1 है, यानी प्रवणता जो पहले की निकलेगी समीकरण की, वो मेरी निकल के आएगी माइनस की a1 अपॉन b1। इसी प्रकार आप समीकरण नंबर 2 को जब तुलना करेंगे तो वहाँ से आपकी जो प्रवणता निकल के आएगी वो माइनस की a2 अपॉन b2 निकल के आएगी। अब जहाँ पर m1 और m2 आपका समीकरण इक्वेशन में दिया गया है, वहाँ पर आप इन दोनों समीकरण के मान अगर रख देंगे, तो अब जहाँ पर आपका m1 और m2 का मान दिया गया है, वहां पर आप a1 और b1 के फॉर्म में जब रखेंगे तो जो मेरा समीकरण बनेगा m बराबर, ठीक है, जिसको मैंने टेन थीटा कहा है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं क्योंकि कोण देखना है, तो टेन इनवर्स हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर आप इनके मान रखेंगे और रखकर हल कर देंगे, तो ये बनेगा आपका ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू और अपॉन में ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, ठीक है। तो ये मेरा समीकरण बना दो, सॉरी, तो m1 और m2 के मान जब आप इस समीकरण में रख दोगे, अगर हम इसको थीटा निकालें तो मतलब ये टेन उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, और यहां पर अगर हम इनका मान रख दें, क्योंकि ये मॉड में है तो इसको मॉड में ही रहने देते हैं, तो अगर हम यहां पर एम वन और एम टू, तो जो हमारे एम वन और एम टू के मान आए हैं उठाकर हम इस समीकरण में रख देते हैं, मतलब थीटा की जगह पर रख देते हैं, तो जो हमारे एम वन और एम टू के मान आए हैं वो आप इस समीकरण एक में रख दीजिए, तो यहां से हमारा जो टेन थीटा है इसका मान क्या हो जाएगा, एम वन की जगह पर हम रखेंगे माइनस का ए वन अपॉन बी वन और माइनस एम टू की जगह पर रखेंगे ए टू अपॉन बी टू, जो कि वो माइनस का है और यहाँ भी माइनस है फार्मूले का, तो ये प्लस का हो जाएगा अपॉन में वन प्लस माइनस का ए वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन और इन टू में माइनस का ए टू अपॉन बी टू, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें अब, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आपका ये, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर अगर हम थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स, ठीक है, टैन इनवर्स, और यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, और नीचे की जो बात करें ये बी वन बी टू, नीचे बी वन बी टू से कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारा बनेगा ए वन ए टू और प्लस का बी वन बी टू, ये हमारा जो है वो थीटा का मान है, दो रेखाओं के बीच का कोण है। तो ये भी तरीका है हमारा करने का, पर अगर आपने वो पहला वाला तरीका सीख रखा है तो आप उसी के अनुसार काम करिए। बस आपको करना क्या है, हमारे एम वन और एम टू के मान आए हैं वो आप इस समीकरण एक में रख दीजिए, तो यहां से हमारा जो tan थीटा है इसका मान क्या हो जाएगा, एम वन की जगह पर हम रखेंगे माइनस का ए वन अपॉन बी वन
और माइनस एम टू की जगह पर रखेंगे ए टू अपॉन बी टू, चूंकि वो माइनस का है और यहाँ भी माइनस है फार्मूले का, तो ये प्लस का हो जाएगा, अपॉन में वन प्लस माइनस का ए वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन और इनटू में माइनस का ए टू अपॉन बी टू। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें अब तो ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स। ठीक है, टैन इनवर्स, और यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, और नीचे की जो बात करें ये बी वन बी टू नीचे बी वन बी टू से कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारा बनेगा ए वन ए टू और प्लस का बी वन बी टू। ये हमारा जो है वो थीटा का मान है, दो रेखाओं के बीच का कोण है। तो ये भी तरीका है हमारा करने का, पर अगर आपने वो पहला वाला तरीका सीख रखा है तो आप उसी के अनुसार काम करिए। बस आपको करना क्या है कि जब भी मुझे रेखा के समीकरण दिए जाएंगे तो आपको उसकी प्रवणता निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, प्रवणता निकालिए और आप यहाँ प्रवणता वाले फार्मूले में रखकर वो जो टैन थीटा है दोनों रेखाओं के बीच के कोण निकाल सकते हैं। और प्रवणता निकालने के लिए आप सीधे सीधे क्या करेंगे भाई, अगर हमारी कोई सरल रेखा दी गई है तो उसकी सीधे प्रवणता क्या होती है, एक्स का गुणांक माइनस में एक्स का गुणांक और बटे में वाई का गुणांक। ठीक है, या उससे आप कंपेयर कर दीजिए वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वहां से तुलना कर लीजिए। तो सबसे पहला काम हमारे पास होगा कि हमें दो रेखाएं दी गई हैं, सबसे पहले उनकी पूर्णता निकालते हैं और उठाकर सूत्र में रख देते हैं, तो मुझे एक नया सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 15 है हमारा रेखा के समांतरता व लंबता का प्रतिबंध। ठीक है, मतलब मुझे दो रेखाएं अगर दी गई हैं और वो कब लंबवत होंगी, कब जो है हमारी वो समांतर होंगी। प्रवणता की फॉर्म में हम पीछे देख चुके हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, और अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल जो होता है वो माइनस का वन होता है। यहाँ भी वही बात है, अगर हमारी रेखाएं, मान लीजिए मेरी एक रेखा दी है ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, दूसरी मुझे रेखा दी गई है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस में सी टू बराबर जीरो। ठीक है, अगर ये दोनों समांतर हैं, समांतर अगर आपसे कह रहा है तो इनकी कंडीशन ये है कि इनके x x का गुणांक का अनुपात और y y के गुणांक का अनुपात बराबर होता है, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के। तो वहां पर आपको प्रवणता निकालना और उसको हल करना इतना लंबा नहीं जाना है, सीधे आपको क्या करना है, अगर दो रेखाएं समांतर बोल दिया है तो x x के गुणांक का अनुपात और y y के गुणांक का अनुपात आपको बराबर कर देना है। दूसरी बात आती है कि अगर हमें लंबवत बोल दिया है, ठीक है, लंबता का प्रतिबंध क्या होगा हमारा, तो इसी प्रकार की अगर हमें दो रेखाएं दी गई हैं और कहा गया है कि दोनों रेखाएं दूसरे पर लंबवत हैं तो उस स्थिति में ए वन ए टू बी वन बी टू इसका मान शून्य हो जाता है। ठीक है, सिर्फ ये नोट पॉइंट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें दो समीकरण दे दिए गए हैं और उनको लंबवत या समांतर बोला गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 16 है हमारा रेखा के समांतर, ठीक है, एक रेखा है उसके समांतर दिया गया है एक दूसरी रेखा में बिंदु, कुछ बिंदु दिया गया है, मान लीजिए h, k मान लेते हैं, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। क्या कह रहा है ये, मान लेते हैं मेरे पास एक समीकरण है a1x, a1x क्या करके यहां दो समीकरण तो लेनी नहीं है, तो सीधे ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर जीरो, ये मेरे पास कोई एक रेखा है। ठीक है, और इसके समांतर मुझे एक दूसरी रेखा दी गई है जिसका मुझे समीकरण याद करना है, लेकिन मुझे शर्त क्या दे रखी है कि वो जो रेखा है वो एच कॉमा के बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, जब क्वेश्चन आपको देगा तो कहेगा कि भाई बिंदु 2.3 या 4.5 जैसा भी दे से होकर गुजरने वाली और एक आपको रेखा दे देगा कि समांतर रेखा का समीकरण याद कीजिए। तो सीधी स्थिति क्या होगा, उसका नई समीकरण जो बनेगी वो ए वन एक्स मतलब ए एक्स बी वाई और जो आपका ये अचर केवल सी है ये बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए एच प्लस बी के बराबर जीरो, ठीक, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ, तो बस हमें इतना कर देना है। तो मतलब मुझे एक रेखा दे रखी है और उसके समांतर अगर दूसरी रेखा का समीकरण मुझसे पूछ रहा है तो मुझे बस ये देखना है कि क्या करना है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई वही रहेंगे, मतलब एक्स वाई के गुणांक आपको समान रखने हैं, अचर की जगह पर आपको क्या कर देना है,
एक्स का गुणांक साथ में जिस बिंदु से जा रही है मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट, ये एक्स कॉमा वाई मान सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको पॉइंट दिए जाएंगे पहला, और प्लस में लगाकर वाई का गुणांक और साथ में वाई वाला गुणांक, ठीक है, वाई वाला निर्देशांक, और इनके मान रखने के बाद इसको माइनस में कर देंगे और हमारे एफएक्स मान समीकरण मिल जाएगा। क्वेश्चन मिलेगा इस पे आपको, इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल इसी तरह जो है पॉइंट नंबर हमारा 17 है, तो इसी इसी साथ लिख देते हैं, सेम स्थिति रहेगी, ठीक है, कि बस इस बार रेखा के क्या कर देना है, मुझे लंबवत कर देना है, रेखा के लंबवत, ठीक है, और बिंदु भी फिर से वही मान लेते हैं, कोई बिंदु है एच कॉमा के से, ठीक है, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इस बार जो मुझे रेखा दी गई होगी, ठीक है, उस रेखा में हम लोग x और y के गुणांकों को आपस में बदल देंगे, ठीक है, चिन्ह के साथ। तो मेरी समीकरण जो बनेगी वो बनेगी bx, मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो y के साथ जाएगा और y वाला x के साथ, बीच में माइनस आ जाएगा और हो जाएगा ay, साथ में माइनस रहेगा और यहां पर हो जाएगा आपका bh माइनस का ak, ठीक है, ऊपर वाले में क्या था ah और bk साथ में था और यहां वाले पर bh और ak हो जाएगा बराबर में जीरो। तो बस अगर हमें कोई रेखा दी जाती है और उसके समांतर रेखा का है, या ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, बकायदा अगर आप बोर्ड में करेंगे तब तो आपको पास कराना होता है, फिर इक्वेशन में रखना होता है, वो सब करना होता है, बट एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक रेखा का समीकरण दिया है जो इस बिंदु से होकर गुजरता है, तो आपको यह क्या याद रखना है, अगर समांतर कहता है तो इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधे आपको यह वैल्यू याद रख लेनी है ए एच प्लस बी के, ठीक है, माइनस में। और अगर हमें लंबवत पूछता है तो आपको क्या कर देना है कि b को x के साथ में और a को y के साथ में और माइनस लगा देना है, साथ में इस बार जो है a के साथ में ना लेकर b के साथ में h लेना और a के साथ में k लेना है, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर है वो यहीं पर रहेंगे, और इसमें सब कुछ माइनस में होता है, लंबवत में सारे माइनस में रखना है, समांतर में सिर्फ एक माइनस आएगा, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो पॉइंट नंबर 18 है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। क्या दिया हुआ है, एक बिंदु से रेखा की दूरी, ठीक है, कोई भी रेखा का समीकरण हमें दिया हुआ है, उससे कुछ दूरी पर हमें एक बिंदु दिया गया है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात होंगे, तो हमसे कहा जाएगा उसकी दूरी निकालिए, और दूरी सदैव क्या होती है, आप लंबवत ही दूरी निकालेंगे। तो देख लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक, हमारे पास कोई एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा से यहां पर कोई एक बिंदु है जिसके निर्देशांक मैं मान लेता हूं h, k है, ये a निर्देशांक मान लेते हैं, और हमसे कहा जाए कि भाई आप इस रेखा पर जो इस रेखा का समीकरण मान लेते हैं जो हमारा व्यापक समीकरण होता है जनरल इक्वेशन ax plus by is equal to c, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि यहां से a से इस पर क्या डाला गया, दूरी लंब डाला गया है और वो दूरी मुझे निकालनी है, इसको मैं नाम दे देता हूं b मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो ab की दूरी होती है इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, मॉड में रखेंगे क्योंकि दूरी को अभी निगेटिव नहीं रखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स क्या, इसको आप एच और के कर देंगे यहाँ क्योंकि हमने निर्देशांक एच कॉमा के लिए हैं, तो ए एच और बी के प्लस सी और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब अगर बात करें कि इसमें कौन कहाँ से आया हुआ है, तो आपको साफ दिख रहा है जो मुझे समीकरण दी गई होगी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, वहां से आप ए बी और सी को प्राप्त कर लेंगे, जो आपको पॉइंट दिया गया होगा जिससे दूरी निकालनी है वो यहां से आप एच और के पा जाएंगे, और नीचे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, मतलब वही आपका एक्स और वाई के गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ देना है और आपकी डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक है, इस पर भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा कि इस बार हमें दो रेखाएं दी गई हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं और उनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, वो क्या होगी, तो मान लेते हैं मेरे पास पहले जो समीकरण है रेखा है उसका समीकरण ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो है, इसी प्रकार मैं मान लेता हूं एक दूसरी रेखा है जो समांतर इसके और उसका समीकरण ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो है, ठीक है, और मुझे कहा गया कि भाई इन दोनों के बीच में दूरी निकालिए, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है डी होती है वो c1 माइनस सी टू मॉड में, क्योंकि दूरी नेगेटिव नहीं लेते हैं, और अंडर रूट में अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, बस ये मान होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके गुणांक नहीं बदलते हैं, केवल जो अचर राशि है वो बदलती है,
तो अगर दूरी निकालनी है तो पहले चर राशि में से दूसरी चर राशि को माइनस करके और दोनों के गुणांकों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन इस पर भी बनता है। तो इसके साथ ही हमारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सरल रेखा के, स्ट्रेट लाइन के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगली क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उन पर काम करेंगे, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे स्ट्रेट लाइन के वो इन्हीं पॉइंट से हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।